नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जहां देश भर में अभी कोरोना का संकट बीता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक नई मुसीबत देखने को मिल रही है। जी हां, आपने एकदम सही सुना, एक नई मुसीबत यानी कि एक नई बीमारी जो कि पूरी तरह से लोगों की आंखों को प्रभावित कर रही है और जिसके बाद लोगों की आंखें पूरी तरह खराब हो जाती है और लोगों की आंखों को निकालना पड़ रहा है और ये बीमारी सीधा आंखों पे असर करती है। तो इसके लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने भी एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें इस संकट के बारे में बताया है उन्होंने। तो कैसे ये बीमारी फैल रही है, इसके क्या लक्षण है, किन लोगों में ये बीमारी देखने को मिल रही है और कहां कहां भारत के अंदर इसके जो पेशेंट्स या जो मरीज हैं वो मिले हैं, तो सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आपको कैसे ध्यान रखना है अपने आप को, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने जो एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें इस नए संकट के बारे में बताया है, और ये संकट है जिसका नाम है म्यूकर मायोसिस, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कहते हैं जिसे। और जो ये ब्लैक फंगस है, इसके क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं, मैं आपको उस लक्षण के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आँख, गाल और नाक के नीचे लाल हो जाता है, शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, सिरदर्द, सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर और देखने में कुछ दिक्कत होती है, दांतों में दर्द, सीने में दर्द और इस बीमारी के कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, और ये ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा किन पर असर कर रहा है। इसमें यह बताया गया है, जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की जो एडवाइजरी, उसमें कहा गया है कि जिन लोगों की डायबिटीज़ अनियंत्रित है, जो कोविड मरीज हैं, ज़्यादा दिन से जो ICU में रह रहे हैं, अगर सही समय पर उनका इलाज नहीं हुआ है तो उनके लिए ये ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा जानलेवा हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमित या जो संक्रमण से ठीक हुए जो लोग हैं ना, उनकी क्या है कि रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो अब कमज़ोर पड़ गई है। और चिंता की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीज या इसे ठीक हुए मरीज में म्यूकर मायोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का संक्रमण सबसे ज़्यादा देखा गया है। और बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के चलते लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है। और अब आपको बता देता हूँ कि मैं इसके जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो कहाँ कहाँ देखे गए हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है वो देखा गया। ऐसे में गुजरात सरकार ने बचाव के लिए इस तरह के मरीजों के लिए अलग वार्ड का इंतजाम किया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में अब तक इस तरह के 100 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना संक्रमण से बचने वाले 8 मरीजों में ब्लैक फंगस के कारण उनकी आंखों की रोशनी गंवा दी गई है। और आपको बता दें, साथ ही साथ अभी तक 200 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो गाइस, आप खुद सतर्क रहें, ऐसी कोई अगर आपको पता चले, आपके या कुछ लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ब्लैक फंगस बीमारी जो कि सीधा आंखों पे असर कर रही है, एक भारत में नई बीमारी आ चुकी है। जो भी आपके विचार राय हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।